तो थर्मोडायनमिक प्रोसेसेस को समझने के लिए वी कैन प्लॉट दैम ऑन द वी डायग्राम ठीक है तो सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ ये ए पॉइंट ले लेते हैं इसको बी पॉइंट ले लेते हैं तो इट्स कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस ठीक है आइसो मीनस कॉन्स्टेंट बारिक आप प्रेशर याद कर सकते हैं कि बारिक मीन्स बार फॉर प्रेशर तो जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है दैट इज कॉल्ड आइसो बारिक तो आइसो बारिक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर डीपी भी ज़ीरो होगा और डेल्टा पी भी ज़ीरो होगा डीपी हुआ बहुत स्मॉल इंटरवल में चेंज इन प्रेशर और डेल्टा पी हुआ ओवर बिगर इंटरवल चेंज इन प्रेशर तो प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो डेल्टा पी तो ऑब्वियसली बात है जीरो होगा अब सिमिलरली जो प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होगा दैट इज कॉल्ड आइसो कोरिक दिस इज आइसो कोरिक तो आइसो कोरिक का मतलब है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो यहां पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है दैट इज डी वी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये दो सिंपल प्रोसेस थे कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है ठीक है पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ में गैसेज स्टेट तो गैसेज स्टेट में पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ गैस आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है और अगर टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट कर देंगे हम तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए डी टी भी जीरो डेल्टा टी भी जीरो और पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन द फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस ठीक है इसको थोड़ा हम मतलब देखो इन सभी प्रोसेस में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम है सभी को हम सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अब ये जो दूसरा प्रोसेस है ये जो फोर्थ मैंने ड्रॉ किया ये आइसोथर्मल जैसा लगता है देखने में पर थोड़ा सा डिफरेंट है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है क्योंकि अगर एक ही ड्रॉ किया होगा मान लो अगर आइसोथर्मल ही ड्रा किया हुआ है तो आप उसको एडियाबैटिक भी समझ सकते हो या सिर्फ एडियाबैटिक ड्रा किया हुआ है तो आप आइसोथर्मल भी समझ सकते हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक कौन है ठीक है तो उसके लिए पहले आप ये देखो कि एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है कि इसके केस में हीट एक्सचेंज ज़ीरो ना तो इस प्रोसेस में हीट गेन होती ना ही हीट लूज़ होती है ठीक है तो आप बोल सकते हो कि नो हीट एक्सचेंज तो जिस प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही उसको बोलते हैं एडियोबैटिक प्रोसेस अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है कि एडियोबैटिक है तो इसमें हम ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियोबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और गामा हमेशा ग्रेटर देन वन होता है गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन तो मतलब कि एडियाबैटिक कर्व की स्लोप हमेशा ज़्यादा होगी तो जो ज्यादा स्टीप कर्व है वो ही एडियाबैटिक होगा तो इन दोनों में हम बता सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है लोअर वाला ये ज़्यादा स्टीप है तो इसकी स्लोप ज़्यादा है दैट इज बाय इट इज एडियाबैटिक और जिसकी स्लोप कम होती है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल ठीक है एडियोबैटिक के लिए हम यह बोल सकते हैं कि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर ये रिवर्सिबल एडियोबैटिक प्रोसेस है ठीक है जैसे आइसोथर्मल में आप बोलते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियोबैटिक के लिए हम लिखेंगे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए रिवर्सिबल क्या होता है दैट विल विल सी वेरी सून ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवर्सिबिलिटी ही है तो ये प्रोसेस क्लियर हो गई तो किसी भी थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आईसो बारिक वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो आईसो कोरिक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आईसो थर्मल और अगर हीट एक्सचेंज जीरो है तो एडिया बैटिक ठीक है फिर एक और टाइप का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस ओके साइक्लिक प्रोसेस का मतलब वैन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर सेम तो कोई चीज अगर घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस तो वैन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर सेम ठीक है तो साइक्लिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे लेट एस सेम पी वी डायग्राम पे इसको भी ड्रॉ करते हैं तो सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने दिस वॉज द इनिशियल पॉइंट ए तो घूम फिर के आप आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज वाइज जाओ कभी भी प्रोसेस हो तो प्रोसेस में एरो हमेशा रिप्रेजेंट करने हैं बिना एरो के हमें यह नहीं पता चलता कि हम कहां से कहां जा रहे हैं इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या है ठीक है तो अगर ए से घूम फिर के आप वापस ए पे आ गए तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ ठीक है अब जरूरी नहीं है कि साइकिल सर्कल की फॉर्म में ही होना चाहिए अब ऐसा भी होता है कि ये पॉइंट था आपके पास ए यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गए यहाँ से फिर यहाँ आए यहाँ से फिर वापस तो ए फिर बी फिर बी से सी सी से वापस ए तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है चाहे आप ए से वापस ए पे आ जाओ बी से चल के वापस बी पे आ जाओ या सी से चल के वापस सी पे आ जाओ ठीक है किसी और शेप में भी हो सकता है तो ये किसी भी शेप में हो सकता है किसी भी फॉर्म में चल के अगर आप अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस और अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे स्टेट फंक्शंस हैं ठीक है जैसे डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब स्टेट फंक्शन तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही हैं जहां से आप चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो तो याद रखो कि स्टेट फंक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट से याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जैसे होंगे और पाथ फंक्शन होंगे डिस्टेंस की तरह तो अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में हो और कोई भी स्टेट फंक्शन है जैसे डेल्टा यू है तो डेल्टा यू इन अ साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा जीरो डेल्टा एच है वो भी जीरो होगा डेल्टा जी डेल्टा एस तो साइक्लिक प्रोसेस में ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन जीरो होते हैं ठीक है डेल्टा वी ले लो डेल्टा पी ले लो तो इतना याद रहेगा पर पाथ फंक्शन जीरो नहीं होता ठीक है पाथ फंक्शन जैसे कि वर्क डन हीट ठीक है पाथ फंक्शन इज नॉट जीरो ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस ठीक है तो जो पी वी डायग्राम के अंडर एरिया आता है अंडर पी वी कर दैट इज इक्वल टू वर्क डन तो ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में तो आई थिंक इतना क्लियर है कि साइक्लिक प्रोसेस और बाकी थर्मोडायनमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं